मजदूर से विधायक बनने तक संघर्षमय रहा है दुल्लू महतो का राजनीतिक सफर। धनबाद बागमारा विधायक दुल्लू महतो ने मजदूर से विधायक तक का सफर तय किया है। इस दौरान वो लगातार जनता के दिलों में छाए रहे, आम लोगों के बीच उनकी प्रसिद्धि बढ़ती रही। इसी का नतीजा है कि आज बीजेपी ने उन्हें कोयलांचल धनबाद जैसी प्रतिष्ठित हॉट सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। धनबाद तमाम कयासों के बीच आखिरकार बागमारा विधायक दुल्लू महतो को बीजेपी ने धनबाद लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। दुल्लू महतो, जिन्हें कोयलांचल के लोग टाइगर दुल्लू के नाम से भी जानते हैं, टाइगर की उपाधि उनको किसने दी, राजनीति में वह कैसे आ गए, दुल्लू महतो के सफरनामे पर आइए डालते हैं एक नज़र। दुल्लू महतो के राजनीति में कदम रखने का विषय काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये राजनीति उन्हें विरासत में नहीं मिली है बल्कि मजदूरों के अधिकार की लड़ाई के बदौलत आज वह इस मुकाम पर खड़े हैं। दुल्लू महतो का जन्म 12 मई 1975 में हुआ। बागमारा का चिटाही उनका पैतृक गाँव है। उनके पिता का नाम पूना महतो जबकि माता का नाम रुकवा महताइन है। दुल्लू महतो 12वीं पास है। उनके पिता महेशपुर कोलियरी में मजदूर के रूप में कार्यरत थे। उनकी शादी बोकारो जिले की रहने वाली सावित्री देवी से हुई। भाइयों में दुल्लू महतो सबसे छोटे हैं। दुल्लू महतो की प्रारंभिक शिक्षा उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुंडू से हुई। कतरास डीएवी इंटर कॉल से इंटर की पढ़ाई पूरी की। आर्थिक कठिनाई के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़ने के बाद वह सेल जोगीडीह कोलियरी में काम करने लगे। उन दिनों मजदूरों को काफी प्रताड़ित किया जा रहा था। मजदूरों की प्रताड़ना उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद दुल्लू महतो मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने लगे। देखते ही देखते मजदूरों के दिलों में वह राज करने लगे। मजदूरों की लड़ाई में उन्हें इज्जत और शोहरत मिलना शुरू हो गया। वह लगातार आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करने लगे। वर्ष 1999 में वरिष्ठ नेता समरेश सिंह उनकी मुलाकात हुई। समरेश सिंह दुल्लू महतो के कार्यों से बेहद प्रभावित थे। समरेश सिंह ने ही साल 2000 में दुल्लू महतो को टाइगर की उपाधि दी थी। इसके बाद उन्होंने टाइगर फोर्स नामक संस्था का गठन किया। इस संगठन की गूंज कोयलांचल ही नहीं पूरे राज्य में गूंजने लगी। वर्ष 2009 में उन दिनों झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने दुल्लू महतो को अपनी पार्टी से बागमारा विधानसभा का टिकट दिया। 56,026 मतों से उन्होंने जीत हासिल की। निकटतम प्रतिद्वंदी जलेश्वर महतो को महज 36,606 मतों से ही संतुष्ट करना पड़ा था। इस तरह वह बागमारा विधानसभा से पहली बार जीत हासिल की। साल 2014 में बीजेपी ने दुल्लू महतो पर अपना विश्वास जताया। बागमारा विधानसभा से बीजेपी ने टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया। दुल्लू महतो भी भाजपा की उम्मीदों पर खरे उतरे। इस बार पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 86,603 मत विधानसभा चुनाव में हासिल कर बागमारा में कमल खिलाने का काम किया। फिर से निकटतम प्रतिद्वंदी जलेश्वर महतो को हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दुल्लू महतो को बागमारा विधानसभा से टिकट दिया। इस बार भी उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि इस बार मुकाबला कांटे का रहा। उन्हें 824 मतों के मामूली अंतर से जीत दर्ज किए। दुल्लू महतो का जीवन काफी संघर्षमय रहा। इस दौरान उनके ऊपर कई आरोप भी लगे जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वह बेहद दृढ़ और निष्ठा के साथ खड़े रहे। जनता के साथ साथ मजदूर वर्ग उन्हें मसीहा के रूप में जानता है। एक बार भाजपा ने उन्हें धनबाद लोकसभा का कमान दिया है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।